आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव रहटौल पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 45 किलोमीटर तो ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। 3000 वोटों वाले इस गांव की कमान श्रीमती कैलाशो देवी के हाथ में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांधा है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान कैलाशो देवी और सचिव अरुण यादव के द्वारा स्कूल, शमशान घाट व सड़कों का भी काफी निर्माण कार्य कराया गया है। चार वर्ष में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पुत्र की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक संभल के रहटौल ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान पुत्र से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान पुत्र के पास। टुडे 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें यहाँ पर मालूम हुआ, प्रधान जी की अभी अभी हाल फिलहाल में ही डेथ हुई है। चार साल इनके कार्यकाल को पूरे बीत चुके थे, अब तक क्या क्या विकास कार्य अपने गांव में करवा दिए हैं? विकास कार्य सड़कों का काम चल रहा है, जी, और शौचालय भी बने हैं। ODF हो गई ग्राम पंचायत, ODF हो गई जी। एक शमशान घाट बना है जी, और टंकी का काम चल रहा है, ओवरहेड टैंक बन रहा है यहाँ पर। ओवरहेड टैंक जी। क्या ग्राम पंचायत में आवास मिले हैं लोगों को? आवास पहले मिले थे 5 जी, अब नहीं मिले, अभी नहीं मिले। जैसे कि सरकार, केंद्र सरकार जो योजनाएं चलाती है, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों के खाते में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, तो इसका लाभ आपके गांव में क्या सभी लोगों को मिल पाया है? सबको नहीं मिल पाया, कुछ है 60-70% मिल पाया है सम्मान किसान निधि जी। और जो बिजली का कनेक्शन है, ये तो सभी को मिल चुका, लगभग सभी का हुआ है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, ये सब बने हुए हैं यहाँ सब? हाँ, आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, अभी 50-60 बने हुए जी। पेंशन वगैरह मिल रही है सबको? पेंशन नहीं मिल रही, आधी मिल रही पेंशन तो अभी कम लोगों को मिल, कम लोगों को मिल। यहाँ स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट वगैरह लगवाई हैं? सोलर लाइट हमने अभी तक जी जी, हाँ सोलर लाइट लगवाई है। कूड़ेदान रखवाए हैं? कूड़ेदान रखवाए हैं। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम करवाया गया है ग्राम प्रधान द्वारा? स्कूल में बाउंड्री करवाई थी मतलब स्कूल का सौंदर्य, बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री बनवाई, बाउंड्री वॉल करवाई थी वहाँ पर। जैसे सरकारी बिल्डिंग में आपके गांव में बारात घर, पंचायत भवन, ये बने हुए हैं? नहीं है। अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या सरकार यही अब क्या मानेगा, टैंक, पानी का टैंक बन गया है, बारात घर बन गया है, हमारे बन चुका है हाँ जी, पंचायत भवन है, पंचायत भवन है पुराना, आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र बना है एक नया अभी पीछे, और एक आया था अभी, तो उसके लिए जगह चिन्हित नहीं हुई। क्या गांव में कच्चे रास्ते अभी भी हैं? कच्चे रास्ते नहीं है, ये कुछ खरंजे के रास्ते हैं जी, तो उनका काम चल रहा होगा? हाँ, उनका काम तो चल गया, मतलब जो अभी बचा हुआ कार्यकाल है, उम्मीद है कि इस बचे हुए समय में पूरा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। कितने परिवार आपके यहाँ ग्राम पंचायत में ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की आवश्यकता है, कच्चे मकानों में रहते हैं? हाँ, है कच्चे, लगभग 40-45 परिवार हैं। अस्पताल कितने दूर है यहाँ से? अस्पताल तो ये मुराद संबंधी हॉस्पिटल। क्या कोई स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ ग्राम पंचायत में या आसपास कहीं पर? हमारे पास तो नहीं, तो मतलब यहाँ मरीजों को जो है काफी दूर यहाँ से जाना पड़ता है, से संभल जाना पड़ता है, संभल जाना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान पुत्र से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन चार सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है। जैसे सीसी टाइल्स कार्य, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफी विकास हुआ है, लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ अभी भी मौजूद है। जैसे कि अस्पताल यहाँ पर आसपास दूर तक नहीं है, काफी दूर, कई किलोमीटर दूर यहाँ मरीजों को जाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ ओवरहैंग टैंक का भी निर्माण जो है कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही यहाँ लगभग 40-45 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। अशरफ अली के साथ मनाजरीन, टुडे 24।